जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर हरे
जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की। आज 16 से 32 श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध अध्याय 24 का 16 नंबर से 32 नंबर तक हम लोग 32 नंबर की आवृत्ति करेंगे। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु देन बंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए मैं गलत बुद्धिया 30 नंबर निकाल दिया, 30 तक है। श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 24 श्लोक 30। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न ते अरविंदाक्ष पद उपसर्पणम् मृषा भवेत् सर्वसुहृत् प्रिय आत्मनः यथा इतरेषां पृथक् आत्मनां शतां अदिदृशः यत् वपुः अद्भुतम् हि नः। नते रविन्दाक्ष पदोपसर्पणम् मृषा भवेत् सर्वसुहृत् प्रियात्मनः। यथेतरेषां पृथगात्मनां शताम् अधिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। नते रवेन्दाक्ष पदोपसर्पणम् मृषा भवेत् सर्वसुहृत् प्रियात्मनः। यथेतरेषां पृथगीषमात्मनां यथेतरेषां पृथगात्मनां शताम् अधिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। नते रविन्दाक्ष पदोपसर्पणम् मृषा भवेत् सर्वसुहृत् प्रियात्मनः। यथेतरेषां पृथगात्मनां शताम् अधिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। एक दो लोग बोलिए श्लोक, और थोड़ा संभव हो तो और आगे आ जाइए।
माता जी ना कभी नहीं ते आपके अरविंद अक्ष हे कमल नेत्रों वाले मेरे प्रभु पद उपसर्पणम चरण कमलों की पूजा मृषा व्यर्थ भवेत हो सकती है सर्वसृहित सबके मित्र प्रिय सबके प्यारे आत्मन हर एक के परमात्मा यथा जिस प्रकार इतरेषां अन्यों देवताओं का पृथक आत्मना आत्मा से भिन्न देहधारी जीव सताम अध्यात्म स्थित लोगों का अधिदृश्य आपने दिखलाया है यत जो वपु शरीर अद्भुतम अद्भुत ही निसंदेह न हमको अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले प्रभु देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ हैं क्योंकि आप हर एक के परम मित्र तथा प्रियतम परमात्मा हैं अतएव आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती इसलिए अपने मछली का रूप प्रकट किया है। तात्पर्य इंद्र चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता सामान्य जीव हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्नांश हैं। श्री भगवान जीवों के माध्यम से अपना विस्तार करते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम उनके सारे साकार विष्णु रूप आध्यात्मिक है जो स्वांश कहलाते हैं किंतु सारे जीव जो उनसे पृथक हैं उनके विभिन्नांश कहलाते हैं। कुछ विभिन्नांश रूप आध्यात्मिक होते हैं और कुछ पदार्थ तथा आत्मा के सम्मेलन होते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवात्मा भौतिक शरीर से निर्मित अपने बाह्य शरीर से भिन्न होते हैं। इस तरह स्वर्ग में रहने वाले देवता तथा अधोलोक में रहने वाले जीव समान प्रकृति वाले होते हैं। फिर भी इस लोक के मनुष्य कभी कभी स्वर्ग लोक के देवताओं की पूजा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। ऐसी पूजा अस्थायी होती है। जिस प्रकार इस लोक के मनुष्यों को अपने शरीर बदलने होते हैं तथा देहांतर प्राप्ति उसी प्रकार से इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि जीवात्माओं को भी यथा समय अपने शरीर बदलने होंगे।
जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, अंतवत् फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेदसाम। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनके फल सीमित तथा अस्थायी होते हैं। कामस्तैत हृतज्ञान प्रपद्यन्तन्य देवता। जो लोग देवताओं के पद को नहीं जानते, वे किसी भौतिक प्रयोजन से उनकी पूजा करने की ओर झुकते हैं, किंतु ऐसी पूजा का फल कभी अस्थायी नहीं होता। फलतः यहाँ पर कहा गया है, यथा इतरेशम पृथगात्मना शताम पादोपसर्पण मृषाम भवेत। दूसरे शब्दों में यदि मनुष्य को किसी की पूजा करनी ही है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, तब उसकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का अल्प प्रयास भी अस्थाई निधि होता है। अतएव जैसा कि श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, मनुष्य को चाहिए कि वह श्री हरि के चरण कमलों की पूजा अपना ले। चाहे इसके लिए प्राप्त शरीर विशेष के तथाकथित वृत्ति परग धर्म को छोड़ना क्यों न पड़े। चूँकि शरीर के संबंध में की जाने वाली पूजा अस्थाई है, इसलिए इसका फल अस्थाई नहीं होता, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग मत्स्य कथा का कुछ अंश आप लोग सुन चुके हैं। एक चीज है, अस्पष्ट है, मत्स्य भगवान की कथा को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के जिज्ञासा करने पर, पूछने पर प्रस्तुत किया। इसके पहले किसकी कथा चल रही थी, किस भगवान की कथा चल रही थी? वामन देव का। और अभी प्रश्न कर दिए मत्स्य भगवान के विषय में। परीक्षित महाराज तो कथा सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के प्रश्न पर एक आप लोगों से प्रश्न है। मत्स्य वामन देव की कथा चल रही थी और परीक्षित महाराज मत्स्य भगवान की कथा के विषय में क्यों प्रश्न कर दिया? कौन बतलाएगा? भागवत के विद्यार्थी बैठे हैं, प्रेमांजन, अनंत, शुभ कृष्ण, राधानाथ प्रभु, अनेक लोग हैं। कुछ है, समानता दोनों में बतला सकते हैं। वामन भगवान और मत्स्य भगवान में क्या समानता है? आकार। तो वामन देव के लीला का श्रवण किए और इसमें स्पष्ट है कि तनुम तनुम विसंदर्श्य। वामन देव तो एकदम छोटा रूप लेकर के गए। बौना छोटा होता है, लेकिन थोड़े देर के बाद कैसा रूप दिखाए? बहुत बड़ा। और ठीक ऐसी ही स्थिति मत्स्य भगवान के विषय में है।
सफरिया एकम अभ्युपद्यत। सत्यव्रत महाराज के हाथ में मछली आ गई ना, लेकिन अभी हम लोग सुनेंगे कि कितना उसमें विस्तार हुआ। और वामन देव की कथा सुन करके इसी के समान मत्स्य भगवान की भी कथा है, और इसलिए परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। तनुम तनुम विसंदर्श्य निजय स्वर्ज निदर्शनाथ, अपने सूक्ष्म रूप को प्रकट किए, पहले तो उसको दिखाए और इसके बाद अपने ऐश्वर्य को दिखाए। और एक तो समानता यह है, और अब प्रश्न करने का एक और कारण है। यदर्थम, पीछे के श्लोक में आप सुने होंगे कि किस लिए इस रूप को प्रकट किए। अब वामन भगवान के रूप से इसको जोड़ करके देखा जाए, और वामन भगवान तो प्रकट हुए बलि महाराज पर कृपा करने के लिए। अदिति के तपस्या से उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए, कोई कोई कह रहे हैं लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कारण है वामन नहीं बलि महाराज पर कृपा करने के लिए। बलि महाराज को बहुत भारी सौभाग्य प्रदान किए, चरण धोने का अवसर मिला, और बाहर से तो देखने पर लगता है कि बलि महाराज को दंडित किए, स्वर्ग से हटा करके सूतल लोक में भेज दिए, लेकिन सूतल लोक में भगवान खुद ही चले गए। और नित्य दर्शन होता है, भगवान गेट पर रहते हैं, बलि महाराज अपने घर में आते हैं भगवान का दर्शन होता है, घर से निकलते हैं भगवान का दर्शन होता है। तो शुरू में एक प्रश्न, यदर्थम, किसके लिए ये रूप प्रकट किए। और वामन देव जैसे बलि महाराज के लिए रूप प्रकट किए, तो वैसे ही ये सत्यव्रत, उस समय तो सत्यव्रत नाम था ना, इस समय श्राद्ध देव नाम। और बलि महाराज, ये परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, तो इससे एक बात और स्पष्ट है कि बलि महाराज पहले से ही मत्स्य भगवान की कथा जानते थे, तभी न समानता का उनको ज्ञान है। लेकिन ये भक्तों का यही स्वभाव होता है कि भगवान की कथा बार बार सुनते रहते, उनको आनंद की अनुभूति होती रहती। चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है कि ध्रुव और प्रहलाद के कथा को सुने सत बार, सैकड़ों सैकड़ों बार सुनते थे। और आप लोग मत्स्य भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर दिए हैं, इसके पहले आप लोग सुने हैं कि तमात्मनोनुग्रहार्थम प्रीत्या मत्स्य बपुरधरम अजानन रक्षणार्थ रक्षणार्थाय सफरिया स मनोदधे। द्रविण देश के राजा थे, और कौन कृतमाला नदी का नाम है, और वहाँ तर्पण कर रहे थे प्रियव्रत महाराज। और ऐसे पानी उठाए, और पानी के साथ ही एक मछली आ गई, छोटी मछली अंजलि में आ गई। हम लोग गांव में उसको सिधरी कहते, एक सिधरी आ गई। अब हाथ में मछली आ गई तो स्वाभाविक है भाई पानी में डाल देंगे, लेकिन अब मछली के
दीन सात करुण अति करुण वाणी को सुन करके और राजा का चित्त प्रभावित हो गया। दीन वत्सलम, दीन वत्सलम, दीना, वो कह रहे कि मैं तो दीन हूँ और आप दीन वत्सल हैं। और देखिए, राजा तो जीवन भर प्रजा का पालन किया है और चित्तवृत्ति वैसी बन जाती है। माफ कीजिएगा, हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो निसंतान है, ब्रह्मचारी सन्यासी है, और उनका चित्त उतना कोमल नहीं होता है जितना गृहस्थों का। वे तो गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन गृहस्थ अपने बच्चों के गलती को सहते सहते अभ्यस्त हो जाते हैं। कोई कुछ गलती भी करता है तो सह लेते हैं। तो राजा थे, उनका तो संस्कार है पालन करने का, स्वाभाविक संस्कार है। और ये मछली अपने को बहुत दीन बतलाई। इस विषय की व्याख्या हो चुकी है, लेकिन संक्षेप में समझिए कि समुद्र में या नदी में और जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, उसको मत्स्य न्याय कहते हैं। बहुत खराब स्थिति मनुष्य समाज में हो जाती है, अब उसको कहते हैं कि अरे वहाँ तो मत्स्य न्याय चल रहा है। मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और सीधे जान पर खतरा है, वो अपने रक्षा के लिए प्रार्थना की और कह रहे हैं कि अजानन रक्षणार्थाय सफरिया स मनो दधे। सत्यव्रत महाराज को यह अब तक ज्ञान नहीं था कि हम पर कृपा करने के लिए ही भगवान मत्स्य बपुर धर्म मछली के रूप में प्रकट हुए। अजानन, इस बात को जान नहीं रहे थे कि हमारे हित के लिए, हम पर कृपा करने के लिए भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए हैं, और इस बात को जानते नहीं थे। लेकिन फिर भी रक्षणार्थाय सफरिया स मनोदध, सफरिया रक्षणार्थाय, वे मछली के रक्षा के लिए मन बना लिए। अब एक बात मैं थोड़ा आगे बढ़ करके कहूँगा कि किसी का हित करना है तो हमेशा संबंध ही नहीं देखना चाहिए। और कोई दीनहीन स्थिति में है और कुछ उसकी सहायता कर देनी चाहिए। इस राजा के विषय में कह रहे हैं कि उनको पता नहीं था कि इस मछली से हमारा संबंध, हम पर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी सफरिया रक्षणार्थाय स्व मनोदधे, वे मछली के रक्षा के लिए मन बना लिए। तस्या दीन तरम वाक्यम आश्रुत्य स महीपति कलशापसो निधाय न दयालुर निन्य आश्रमम। छोटी सी मछली है, रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, कह रही है कि नदी में छोड़ देंगे, दूसरी मछली खा जाएगी। अब उसके वाक्य को सुन करके दीन तरम वाक्यम बड़ा दैन्यपूर्वक बोल रही थी, दयालु, राजा के हृदय में दया आ गई और छोटे से मछली को अपने कवंडल में रखे और निन्य आश्रमम, उसको आश्रम पर लाए। भी जो समस्या प्रस्तुत कर रही थी उसका निदान कर दिए। मछली को पानी में डालने पर, नदी में डालने पर कोई दूसरी मछली खा जाएगी, उसको रक्षा चाह रही है, छोटे से मछली है। अब उन तो स्नान करने के लिए गए थे, फिर तो भजन करने के लिए अपने आश्रम पर आना है,
मछली को अपने कवंडल में रखे और लेकर के आश्रम पर आ गए तो सातु तत्रैक रात्रिण वर्धमान कमंडलौ अलब्धावकाशम वा इदम माह महीपतम ल्या करके रखे लेकिन एक रात्रिण। अब रात भर में वर्धमान वो पूरा रात तो बढ़ ही रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, अब एक रात में यह स्थिति हो गई कि अलब्धात्मा वकाशम अब तो उसके लिए जगह ही नहीं बचा, वे एकदम सड़स गई। जितना विस्तार का कमंडलू था और उससे कुछ अधिक ही विस्तार उसके शरीर का हो गया, अब उसको रहने में कष्ट होने लगे। ओ अब फिर वह कहे इदम आह महीपति नाहम कमंडलौ अस्मिन् कृच्छ्रम वस्तु मिहुत्सहे। वे कहे कि यदि यह संभव होता कि थोड़ा कष्ट सह करके भी हम इस कमंडलू में रह जाएं तो मैं रह जाती, लेकिन कष्ट सह करके भी इस कमंडलू में नहीं रह सकती। कभी कभी हम लोग देखते हैं कहीं जाना होता है, सीट कम है, लोग अधिक हैं और कुछ कष्ट सह करके भी बैठ जाते हैं, बहुत कष्ट होता है लेकिन चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी तो ये स्थिति होती है कि अब कष्ट सह करके बैठ ही नहीं सकते और अब तो छोड़ना पड़ता है ना, सबको तो नहीं ले जा सकते, और कह रहे कि कष्ट सह करके भी इस कमंडलू में मैं नहीं रह सकती। कल्पय औकसु विपुलम यत्राहम निवसे सुखम, और इससे बड़े निवास की व्यवस्था कीजिए। ओक मतलब निवास, सु विपुलम अरे अब व्यवस्था कर ही रहे हैं, थोड़ा बड़ा आवास दे दीजिए कि सुखपूर्वक हम रह सके। स्वये नाम तत आदाय न्यधाय औदंच नोदके उदंच। कमंडलो का क्या साइज होगा बीता में बतलाइए, एक डेढ़ बीता, एक हाथ का तो नहीं ही होगा, एक बीता डेढ़ बीता यही होगा कमंडलू ना। कहे कि इसमें तो नहीं रह सकते, अब बड़े आवास की व्यवस्था कीजिए। तो वे एक उदंच में उसको डाल दिए। वे उदंच को आप समझ सकते हैं, हम लोग इधर बर्तन देखते हैं और कोई कोई बर्तन को मिट्टी का बर्तन है तो कलश कहते हैं और किसी किसी को घड़ा कहते हैं। कलश और घड़ा में कुछ अंतर होता है, साइज का अंतर है ना, कलश थोड़ा छोटा होता है। और उसी तरह अब घाट से भी ऊपर एक कछरा, अब इधर जहाँ जो चीज़ कहा जाता हो, गांवों में पहले मिट्टी का बर्तन होता था तो वो ज़्यादा बड़ा होता था, कभी कभी तो बच्चे उसी में घुस करके छिप करके और खेलते हैं, अनाज भी रखते हैं। और जो गांव के बैकग्राउंड से होंगे और पुराने होंगे तो ये इस बात को समझ सकते हैं। और बड़ा मटका मतलब जिसका विस्तार तीन हाथ का, तीन हाथ समझ रहे, एक हाथ इतना है तो तीन हाथ विस्तार के बर्तन को उदंचक कहते हैं। अब कमंडलू में सड़स गई मछली तो उसको कछरा में मतलब बड़े बर्तन में डाल दिए। तत्र छिप्त्वा मुहूर्ते न हस्तत्र मवर्धत, वो कछरे में बड़े मटका में डाले लेकिन वहाँ भी बढ़ने में देर नहीं लगी। मुहूर्त एक मुहूर्त में भी हस्तत्रयम वर्धत, तीन हाथ वो बढ़ गए। अब मछली का साइज तीन हाथ का हो गया, बर्तन का भी तीन हाथ,
अब तो फिर कठिनाई प्रारंभ हुई और फिर वे राजा से बोली, न में एत दलम राजन सुखम वस्तु मुदंचनम। आप तो व्यवस्था किए बड़े घड़ा में डाल ले, लेकिन यहाँ भी मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। अब पृथु देही पदम मह्यम यत्वाहम शरणम गता, और हमको बड़ा स्थान दीजिए, हम तो आपके शरण में हैं। अब आपका आश्रय लिए हैं, आपके शरण में हैं, अब व्यवस्था कर ही रहे हैं, तो ऐसे बड़े स्थान की व्यवस्था कीजिए। तत् आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवर, और अब बर्तन के विचार को ही छोड़ दिए राजा। इसमें कठिनाई हो रही थी, सरोवर में ले जा करके छोड़ दिए। और तदा आवृत्यात्मना सोय महामीनो निवर्धत, अब सरोवर में डाले तो कह रहे हैं कि तद आवृत आत्मना, उस सरोवर को भी अपने शरीर से कवर कर। जितना बड़ा सरोवर है तो उतना बड़ा वो मछली का शरीर हो गया, उतना बढ़ गई। और फिर राजा से कह रही है कि नैतन में स्वस्तये राजन उदकम सलिलौकस, आप जलाशय में डाले लेकिन यहाँ जितना जल है तो हमारे सुख के लिए नहीं है, हम ठीक से इसमें नहीं रह सकती। तो निधे ही रक्षा जोगे न हृदय माम अविदासनी, अब कुछ विधान कीजिए, कुछ व्यवस्था कीजिए कि ऐसे जगह हमको डाल दीजिए कि जहाँ का पानी कभी कम नहीं होता है। अब सरोवर में तो बरसात में पानी भरा रहता है, और सरोवर के साइज की मछली हो गई, और पानी तो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है ना, तो बहुत भारी संकट आ जाएगा। अरे कि सरोवर में ही डाल रहे हैं, तो ऐसे सरोवर में डालिए, ऐसे जलाशय में डालिए कि जहाँ पानी घटे न। इत्युक्त स नयत मत्स्यम तत्र तत्रा विदासनी जलाशय असम्मितम तम समुद्रे प्राक्षिपत जलम जसम, और कई एक सरोवर में ले जा करके डालने लगे, बड़े बड़े सरोवर में, लेकिन असम्मितम। अब इसके साइज का वे नहीं था, मछली के साइज का नहीं था, मछली का साइज और बढ़ गया। तब छिप तम समुद्र प्रा छिप जसम, तब उसको ले जा करके समुद्र में डाल दिए। क्षिप्य माणस तमाहेदम इदम माम मकरादय अदंत्यति बलावीर माम नेहुत श्रष्ट मरहसी, जब समुद्र में डाले और फिर मछली कहने लगी कि अदंती अति बला, जो बहुत शक्तिशाली जलचर प्राणी हैं तो वे तो खा जाएंगे। वीर माम न इह उत्सृष्ट मरहसि, हे वीर आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, आप वीर हैं, जो आपके शरण में आया है तो उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। और यहाँ आप समुद्र में डाल रहे हैं तो अदंति मकरादय, यहाँ तो बड़े बड़े मछली निगल ही जाएंगे। आप समुद्र के विषय में सुनते हैं कि वहाँ तिमिंगल होते हैं, तिमिंगल का क्या अर्थ है, तिमी कहते हैं उस मछली को जिसका विस्तार सौ योजन है। सौ योजन मतलब 1200 किलोमीटर, मछली की लंबाई 1200 किलोमीटर, 12 किलोमीटर नहीं 1200 किलोमीटर, और उस हिसाब से चौड़ाई है। और उस मछली को जो निगल जाता है, खाने की बात नहीं, निगल जाता है, जैसे आप लोग कैप्सूल या टैबलेट निगल जाते हैं, उसको खाते नहीं हैं, निगल जाते घुट जाते हैं, तो वैसे तिमी को जो निगल जाए तो उसको तिमिंगल कहते हैं।
मछली कह रही है कि मकरादय अति बला अदंती, यहाँ भी तो खतरा है, जो बड़े बड़े मछली हैं तो निगल जाएंगे, और आप वीर हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, तो यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। एवं विमोहितस्ते न बदता बल्ग भारती तमाह को भवान अस्मत मत स्वरूपेण मोहजन। अब जब यह बात मछली बोली और बधु बहुत मधुर स्वर में बोल रही थी, अब एवं विमोहितस्ते न, अब महाराज मोह में पड़ गए, उनको अब बात समझ में नहीं आ रही है। ओ तमाह को भवान अस्मान मत्स्य रूपेण मोहय। अब सत्यव्रत महाराज मछली से पूछने लगे कि आप हैं कौन, इतना आपका विस्तार हो रहा है, ऐसी बात बोल रहे हैं, तो आप कौन हैं? नैवम बिरजो जलचरो दृष्टोस्मापि श्रुतोपि वा। अरे भाई मछली हूँ, अपना परिचय तो स्पष्ट है कि मैं मछली हूँ। और सत्यव्रत महाराज कह रहे हैं कि ना, ऐसे जलचर प्राणी के विषय में मैं कभी सुना नहीं हूँ, कभी देखा नहीं, ऐसा जलचर प्राणी मैं कभी नहीं देखा हूँ, इतना तेजी से कुछ बढ़ रहा हो ऐसा मैं देखा नहीं हूँ और सुना भी नहीं हो। यो भवान योजन सतम अहना भी अभ्या नसने सर, आप एक दिन में सौ योजन मतलब 1200 किलोमीटर एक दिन में बढ़ रहे हैं, तो ऐसा मैं कोई जलचर प्राणी नहीं देखा, सुना भी नहीं हूँ। और नूनम तुम भगवान साक्षात हरि नारायण अव्यय, अरे कि हम तो समझ गए कि आप निश्चित रूप से भगवान हैं, आप अव्यय हैं, और अनुग्रहाय भूतानाम धत्से रूपम जलौकसा, आप जीवों पर कृपा करने के लिए, उन पर अनुग्रह करने के लिए ये जलौकस का जलचर प्राणी का रूप धारण किए हैं, आप भगवान हैं। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्य ईश्वरः भक्ता नाम न प्रपन्ना न मुख्य यात्म गतिर्विभो। सत्यव्रत महाराज उनकी स्तुति करने लगे, नमस्कार करने लगे, कहे कि सृष्टि पालन यह नाश आपके अधीन है, और जो भक्त आपके शरण में हैं तो उसके मुख्य गति आप ही, एकमात्र गति आप ही हैं, और आप भगवान हैं। सर्वे लीलावतारस्त भूतानां भूत हेतव, और सत्यव्रत महाराज भगवान के अवतार के विषय में सामान्य सिद्धांत दे रहे हैं कि सर्वे लीलावतारस्त भूतानां भूत हेतव, हमें पता है कि आपका कोई भी अवतार होता है तो उसे संसार का मंगल होता है, संसार में समृद्धि आती है, जीवों का कल्याण होता है। और ज्ञातुम मिच्छाम अधो रूपम यदर्थम भवता धृतम, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप किस कारण से इस रूप को धारण किए। और इतना तो निश्चय है कि कोई भी अवतार होता है तो इस संसार में समृद्धि आती है, जीवों को शांति मिलती है, सुख अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी विशेष अवतार का विशेष प्रयोजन होता है, तो आप ये मत्स्य रूप में किस प्रयोजन से अवतरित हुए हैं? और इसके बाद अपना ही अनुभव बतला रहे हैं कि नते रविंदाक्ष पदोपसर्पण मृषा भवित सर्वश्रेष्ठ प्रियात्मन। सत्यव्रत महाराज समझ गए कि हम पर ही कृपा करने के लिए भगवान अवतरित हुए। सत्यव्रत महाराज मत्स्य भगवान की उपासना करते थे, भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन भक्तों का किसी किसी रूप में विशेष अनुराग होता है। बहुत बहुत घटना है कि एक रूप में बहुत अनुराग है, यद्यपि भगवान दूसरे रूप से प्रकट हुए
लेकिन अनुराग उसी रूप में भीष्म पितामह के प्रसंग में देख सकते हैं कि भगवान तो उनके सामने प्रकट हैं, लेकिन जो सारथी का रूप है उसमें उनके बहुत अनुरक्ति है, उसे रूप का ध्यान कर रहे हैं, उसी में उनका चित्त लगा हुआ है। और भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन भक्तों का अपना अपना पसंद होता है। कोई भगवान राम के उपासक हैं, कोई नृसिंह के उपासक हैं, और सत्यव्रत महाराज मत्स्य भगवान के उपासक हैं। वो कह रहे हैं कि नते रविंदाक्ष पदोपसर्पण मृषा भवित सर्व सहित प्रियात्मन, यानी कि आपकी उपासना आपका आश्रय कभी निष्फल नहीं जाता, वह निष्फल नहीं हो सकता, क्योंकि आप सारे जीवों के सहित हैं, प्रिय हैं और बिल्कुल आत्मा है। यह आत्मा परमात्मा है इसलिए प्रिय हैं। यथे तरेसा पृथगात्मनम सता, करें कि जैसे व्यक्ति दूसरे का शरण ग्रहण करता है और वह निष्फल हो जाता है। पृथक आत्मा जिनका शरीर आत्मा से भिन्न है, पृथक है, पृथक आत्मा, आत्मा शरीर से भिन्न है। भगवान का शरीर और आत्मा भिन्न नहीं है, दोनों एक है। लेकिन जो देवता हैं तो उनका शरीर और आत्मा में पार्थक्य है। श्रील प्रभुपाद जी विस्तार से इसको समझा रहे हैं कि जो सिद्धांत मनुष्य पर लगता है, हम लोग जो बद्ध जीव हैं तो आत्मा से भिन्न हमारा शरीर है। आत्मा तो चेतन है, शरीर जड़ है, और कुछ कुछ अंतर होता है। हम लोगों का मिट्टी प्रधान शरीर है, किसी किसी का जल प्रधान होता है, देवता इत्यादि उनका अग्नि प्रधान होता है, लेकिन शरीर से भिन्न होता है। भाई आग भी है तो आत्मा से तो भिन्न है। तो कह रहे हैं कि यथा इतरेशा पृथगात्मनाम, जैसे किसी देवी देवता के कोई शरणागति स्वीकार करता है तो कोई निश्चय नहीं है कि उसका फल मिलेगा ही, वो निष्फल नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपका शरणागति आपका भजन कभी निष्फल नहीं जाता है। ओ अदृश्यो यत बपुर अद्भुतम ही न, वे कह रहे हैं कि इसी सिद्धांत के अनुसार आप इस रूप को, इस अद्भुत शरीर को हमको दर्शन कराए। और सत्यव्रत महाराज अनुभव कर रहे हैं कि हमारे उपासना सफल हो गया, भगवान हम पर कृपा करने के लिए, अपने रूप को दिखाने के लिए, अपने रूप के दर्शन से शांति प्रदान करने के लिए इस रूप को प्रकट किए। अरविंदाक्ष जैसे कमल कोमल होता है, सुंदर होता है, वैसे ही भगवान के जो अंग हैं तो शीतलता प्रदान करने वाले बहुत सुंदर हैं, और आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं, बहुत चित्त को सुख मिलता है। तो इसी आशय से संबोधन कर रहे हैं अरविंदाक्ष, और सिद्धांत दे रहे हैं कि आपकी उपासना निष्फल नहीं जाती, आप हम पर कृपा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए इस रूप को प्रकट किए। और भगवान को देह करके, भगवान को समझ करके सत्यव्रत महाराज बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं और सिद्धांत दे रहे हैं कि भगवान की उपासना कभी निष्फल नहीं जाती। श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह इस बात की चर्चा, कश्यप जी अदिति को पयोव्रत का उपदेश कर रहे थे तो उस समय स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति न इतरा इति मिमति, कह रहे हैं कि भगवान के भक्ति अमोघ है, अमोघ मतलब निष्फल नहीं जाती, और दूसरे के भक्ति के विषय में यह सिद्धांत नहीं दिया जा सकता। भगवान प्रकट हुए उसके व्रत से संतुष्ट होकर
अदिति के व्रत से संतुष्ट होकर के प्रकट हुए। अदिति को प्रकारांतर से कह दे कि आप संतुष्ट हो जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, तो हमारे पुत्रों का घर तो वापस हो ही जाएगा, हमारे पुत्रों को विजय मिलेगा ही। लेकिन भगवान कहे कि ना, ये जो बात कह रही हो तो इस पहले से मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ, लेकिन न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, विजय नहीं मिलेगा, क्योंकि काल उनके अनुरूप है, शत्रु पक्ष के अनुरूप काल है, ब्राह्मण अनुकूल हैं। और अदिति निराश हो गई, लेकिन भगवान कहे कि ना, तथापि पायो ममदे विचिन्त, हम कुछ उपाय सोचेंगे, क्योंकि तुम्हारे व्रत से मैं संतुष्ट हूँ, और ममार्चनम नार्हति गंतु मन्यता, हमारी उपासना निष्फल जाती ही नहीं, उपासना का फल जरूर मिलता है, इतना जरूर है कि श्रद्धानुरूपम फल हेतु कत्वात, सबको एक ही फल नहीं मिलता है, जैसी श्रद्धा है जैसी इच्छा है उसके अनुरूप फल मिलता है। तो यहाँ सत्यव्रत महाराज इसी सिद्धांत को भगवान से निवेदित कर रहे हैं कि आपकी उपासना निष्फल नहीं जाती, और हम भक्तों पर कृपा करने के लिए आप इस रूप को प्रकट किया। और सत्यव्रत महाराज क्या क्या कह रहे हैं इसको हम लोग आगे सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। माइक में बोलिए। तो क्या नहीं समझ में आ रही है? हाँ, किसी से संबंध है तो उसका ख्याल रखते हैं ना, और भगवान एक एक प्राणी के संबंधी हैं, और इसलिए किसी प्राणी को इग्नोर नहीं करेंगे। का भेदभाव होता और किसी को स्टाफ कोटा है तो ये है, करते हैं ना, लेकिन भगवान सबके प्रिय हैं, सबके हितैषी हैं, अब भेदभाव का कोई अवसर नहीं है, वंचित रहने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक एक प्राणी से उनका इंटीमेट कनेक्शन है, सबके उपासना पर विचार करेंगे, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की